हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल विद्यामा सागर बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अपने दोस्तों को शेयर करें अब हर महीने uh, हर मंथ की एंडिंग में एक करंट अफेयर्स की uh, वीडियो बनेगी तो ये जनवरी मंथ की है बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आज का पहला क्वेश्चन है व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज साइंड एन एमओयू विद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस यूनियन टेरिटरी ने एक एमओ साइन किया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के साथ इंडिया में तो आपका पहला ऑप्शन है लद्दाख दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ चौथा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू और कश्मीर के साथ अपना एमओयू साइन किया है जो ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो फाउंड हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में इसका हेडक्वार्टर है आश्रम चौक न्यू दिल्ली इंडिया में नेक्स्ट है ऑन फोर्थ जनवरी इंडिया लॉन्च द फोर्टी साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्टिका विद विच वेसल

the fourth global ayurveda festival gaf 2021 would be held in which state ye jo global ayurveda festival hai fourth global ayurveda festival uh, is saal kahan manaya jayega yani ki kis state mein tamil nadu uttarakhand kerala manipur iska correct answer hai केरला में मनाया जाएगा ये एक news का screenshot है जो दिखाया गया है ये मनाया जाएगा रला में नेक्स्ट है दिल्ली दिल्ली हैज डिसाइडेड टू सेट अप लैंग्वेज रिसेंटली ने किस लैंग्वेज को अपनी अकेडमी में सेटअप uh, करने का सोचा है हाल ही में ऑप्शन ए कन्नड़ ऑप्शन बी मराठी ऑप्शन सी तमिल ऑप्शन डी तेलुगु इसका करेक्ट आंसर क्या है तमिल तमिल लैंग्वेज को जो है uh, इस बार एकेडमी में इस तमिल लैंग्वेज को भी ऐड किया जाएगा ये हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर वो है न्यूज़पेपर दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ऑन संडे सेटअप अ तमिल एकेडमी टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु नेक्स्ट है वियतनाम यानी कि एशियन कंट्री हैज बॉट इंडियन राइस आफ्टर मेनी डिकेड्स व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वियतनाम वियतनाम uh, की कैपिटल और करेंसी क्या है ऑप्शन ए हनोई एंड डोंग ऑप्शन बी ढाका एंड टाका ऑप्शन सी बीजिंग एंड ऑप्शन डी टोक्यो एंड यान इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हनोई एंड डोंग इसकी कैपिटल है हनोई और इसकी करेंसी है डोंग और ये है वियतनाम का फ्लैग और वर्ल्ड मैप में वियतनाम यहाँ एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट है बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूएसए का अभी जो नया प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है ऑप्शन ए कमला हैरिस ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रम्प ऑप्शन सी जो बिडेन ऑप्शन डी बराक ओबामा इसका करेक्ट आंसर है ये बहुत इजी है इसका करेक्ट आंसर है सी जो बिडेन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे जो कि फोर्टी फिफ्थ प्रेसिडेंट थे यूएसए के जो बिडेन फोर्टी सिक्स और न्यूली प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेक्स्ट है डेवलप्ड हीटिंग डिवाइसेस फॉर द इंडियन आर्मी व्हाट वाज द नेम ऑफ द हीटिंग डिवाइस डीआरडीओ ने एक हीटिंग डिवाइस uh, बनाया है इंडियन आर्मी के लिए उस हीटिंग डिवाइस का नाम क्या है पहला ऑप्शन हिमतापक ऑप्शन बी हिम हीटर ऑप्शन सी हिम अग्नि ऑप्शन डी हिम ताप uh, ये पहाड़ों में जहां बर्फ गिरती है

इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा उड़ीसा में जो बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया है ये देखिए चीफ मिनिस्टर नवीन यूनियन ये उड़ीसा में किया गया ठीक है नेक्स्ट है वसंत दादा नागरी सहारी बैंक्स लाइसेंस बीन कैंसल विच बैंक। वसंत दादा नागर नागरी सहारी बैंक्स का लाइसेंस किस बैंक के द्वारा कैंसिल किया गया, गया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कैंसिल करा गया है नेक्स्ट है रिसेंटली विच एशियन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि इन uh, किस एशियन कंट्री में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है ऑप्शन ए वियतनाम ऑप्शन बी मलेशिया ऑप्शन डी सी इंडोनेशिया ऑप्शन डी थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया जो एशियन कंट्री है उसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि वहां जो कोविड की है है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी वहां के लोग अब बाहर नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल भी वहां के कंट्री के लोग कहीं भी नहीं जा सकते नेक्स्ट है रिसेंटली पीएम मोदी एड्रेस कॉन्वोकेशन एट तेजपुर यूनिवर्सिटी इट वॉज डैश कॉन्वकेशन वो कौन से नंबर का कॉन्वोकेशन था ऑप्शन ए फिफ्टीन ऑप्शन बी सिक्सटीन ऑप्शन सॉरी सी एटीन ऑप्शन डी नाइनटीन इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है सी एटीन कॉन्वोकेशन है ये ये तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में है नेक्स्ट है रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड आर रिपब्लिक डे ऑन 26th सिक्स जनवरी इट वॉज डेस्ट रिपब्लिक डे कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था ये ऑप्शन ए 72 ऑप्शन बी 71 ऑप्शन सी 73 ऑप्शन डी 74 कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था ये बहुत इजी है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 72 रिपब्लिक डे नेक्स्ट है हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर आवर 72nd रिपब्लिक डे कौन चीफ गेस्ट था ऑप्शन ए बोरिस जॉनसन ऑप्शन बी जो बिडेन ऑप्शन सी के पी शर्मा ओली ऑप्शन डी नन नन ऑफ ऑफ इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर है है इससे पहले न्यूज में था कि बोरिस जॉनसन हमारे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वहां कोविड नाइन्टीन का नया स्ट्रेन आ गया जिसकी वजह से वो यहाँ चीफ गेस्ट पे एज अ चीफ गेस्ट नहीं रिप्रेजेंट हो पाए नेक्स्ट है

ये जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है पीएम सिबे नेक्स्ट है ऑक्सफैम ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिसेंटली रिसेंटली रिपोर्ट। ने क्या रिपोर्ट रिलीज करी ऑप्शन है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर द इनक्वेलिटी वायरस द कोविड नाइनटीन क्राइसिस वैक्सीन डिप्लोमेसी उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द इनइक्वेलिटी वायरस नेक्स्ट है रिसेंटली एलॉन मस्क स्पेस एक्स हैव ब्रोकन है रिकॉर्ड ऑफ इसरो बाय लॉन्चिंग हाउ मनी सैटेलाइट एलॉन मस्क स्पेस एक्स ने रिकॉर्ड तोड़ा है इसरो का कितनी सैटेलाइट लॉन्च करके ऑप्शन ए 108 ऑप्शन बी 1143 ऑप्शन सी 114 ऑप्शन डी 104 इसका करेक्ट आंसर है 143 इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च करके एलन मस्क स्पेसएक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है नेक्स्ट है ड्रैगन फ्रूट हैज बीन नेम्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट व्हाट इज इट्स न्यू नेम ड्रैगन फ्रूट जो है उसका नाम चेंज करके गौर्म, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या रख दिया है फर्स्ट ऑप्शन है लोटस सैम लोटस सैम ऑप्शन बी कमलम ऑप्शन सी सीताफल ऑप्शन डी अनानास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है कमलम ड्रैगन फ्रूट जो है लोग सोचते हैं कि ये चाइनीज फ्रूट है, है जिसकी वजह से उनकी सेल जो है बिक्री या फिर सेल जो है वो डिक्रीज हो सकती है जिसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम कर दिया है और ये गुजरात में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं नेक्स्ट है

फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नेक्स्ट है, रिसेंटली मणिपुर सेलिब्रेटेड स्टेट हुड डे ऑन मणिपुर ने अपना स्टेट हुड डे कब मनाया ऑप्शन ए 19 जनवरी ऑप्शन बी 23 जनवरी ऑप्शन सी 22 जनवरी ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर है जनवरी को स्टेट हुड डे मतलब कि अपने स्टेट uh, का uh, स्थापना दिवस नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस दिन ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी टू जनवरी ट्वेंटी थर्ड जनवरी ट्वेंटी फोर जनवरी इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। जो कहा कंडक्ट होने वाली है कहां होने वाली है ऑप्शन ए लक्षद्वीप ऑप्शन बी अंडमान एन निकोबार ऑप्शन सी चेन्नई ऑप्शन डी कोची इसका करेक्ट आंसर है निकोबार and में ये कवच मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो होने वाली है नेक्स्ट है

23 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को किस के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी भगत सिंह ऑप्शन सी महात्मा गांधी ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्राक्रम दिवस मनाया जाएगा हर साल 23 जनवरी को नेक्स्ट है

ऑप्शन ए लास्ट संडे ऑफ जनवरी फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी सेकेंड संडे ऑफ जनवरी थर्ड संडे ऑफ जनवरी इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है लेप्रोसी जो होता है वो एक इंफेक्शन है जो धीरे धीरे ग्रो करता है और ये नर्व नर्व स्किन आईज और को इफेक्ट करता है इसका ट्रीटमेंट है ये डिजीज क्यर्ड हो सकती है नेक्स्ट है व्हिच स्टेट टेबल्यू वाज अवार्डेड एज द बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021 सबसे बढ़िया झांकी रिपब्लिक डे की 2021 में किस स्टेट की रही ऑप्शन ए उत्तराखंड ऑप्शन बी मेघालय ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है C, उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर में उत्तराखंड की थी नेक्स्ट नेक्स्ट है आईसीसी रिसेंटली लॉन्च विच अवार्ड आईसीसी ने रिसेंटली किस अवार्ड को लॉन्च किया है ऑप्शन ए मेल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑप्शन बी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑप्शन सी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑप्शन डी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इसका करेक्ट आंसर है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इज द करेक्ट आंसर आईसीसी की फुलफॉर्मेंट नेशनल क्रिकेट काउंसिल और ये जो अवार्ड है मेल और फीमेल दोनों के लिए है नेक्स्ट है वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एन टी डी इज ऑब्जर्व ऑन थर्टीएथ जनवरी थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी नाइन जनवरी ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी वर्ल्ड नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है थर्टीएथ जनवरी नेक्स्ट है Name the first Gulf country to formalize the process to offer citizenships to select the group of foreigners. Option A Saudi Arabia, Option B UAE, Option C Iraq, Option D Kuwait. Iska correct answer is Iska correct answer hai. UAE, United Arab Emirates uh, is the first Gulf country to formalize the process to offer citizenships to select the group of foreigners. ओके एवरी वन थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर चैनल अपने दोस्तों को शेयर करें टिल दैन टेक केयर गुड बाय सी यू